और दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। एलजी और डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पेड़ काटने के बारे में विशेष जानकारी कब मिली? दिल्ली एलजी और डीडीए उपाध्यक्ष के जवाब में विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एलजी ने कहा कि उन्हें पेड़ काटे जाने की जानकारी 10 जून को मिली। डीडीए ने 12 अप्रैल को एलजी को पेड़ काटने की गलती की सूचना दी थी। अब इसमें विरोधाभास है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही व्यक्तियों से इसको लेकर जानकारी मांगी है, तलब किया। एक तरह से रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए एलजी और डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष से कहा है, जवाब मांगा है। पेड़ काटने के बारे में विशेष जानकारी कब मिली, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्योंकि एलजी और डीडीए उपाध्यक्ष के जवाब में विरोधाभास। डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष अगर कहा जाए, तब जो डीडीए के उपाध्यक्ष थे सुभाशीष, उनको लेकर ये निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष से जवाब मांगा है। पेड़ काटने के बारे में जानकारी कब मिली, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की तरफ से अलग अलग जानकारी दी गई है।